नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जो वीडियो डालती हूँ उसमें अक्सर आप लोग का आता है कि इसका अपडेट देंगे, फर्टिलाइजर देने के बाद क्या रिजल्ट आया है वो बताएंगे। तो इसी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मुसुंडा का फ्लावरिंग चल रहा है। इसके फ्लावर काफ़ी हैवी होते हैं, भारी होते हैं। तो जब मुसुंडा का पौधा लगाएं तो उसमें अगर पौधे आपके नन्हे से हैं तो उसमें सहारे की व्यवस्था जरूर कर दें। अब आती हूँ मैं, जो जैस्मीन का फ्लावर डाली थी उसमें फर्टिलाइजर मैंने आपसे शेयर किया था, इसी में कमेंट आया था कि आप इसका अपडेट देंगे, फ्लावरिंग कैसे हो रही है। अभी तो कुछ फूल मैंने चढ़ा दिए थे भगवान को, और इसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह से फूलों से लदा हुआ है। तो जो फर्टिलाइजर मैं शेयर करती हूँ वो जब मैं अजमाती हूँ इसके बाद ही उसको आपसे शेयर किया करती हूँ। एक नन्हा सा पौधा है, इसमें भी इस तरह से फ्लावरिंग चल रहा है। आप जैस्मिन का एक दूसरा जो पॉट में लगा हुआ है उसको भी मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ, किस तरह से जैस्मिन की खुशबू आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो इस तरह से आप भी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो पुराने फ्लावर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हटा दिया करें। रबर प्लांट कटिंग की अपडेट यहां आपके सामने है। इसमें मैंने तीन कटिंग लगाए थे जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक ये हो गया है, दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं दूसरी वाली है, और एक कटिंग लगता है कि समाप्त हो गया है, वो ग्रोन नहीं कर पाया है। तीन कटिंग में दो कटिंग सक्सेसफुल हो गए हैं। पिछली बार जो मैंने कटिंग लगाई थी वो प्लांट इतना बड़ा हो गया है, और इसमें मेरा दो पौधा था, मैंने एक गिफ्ट में दे दिया और एक ये मेरे पास है। अपडेट के श्रृंखला में एक पौधा आपके सामने और है, जेड प्लांट का, जिसको मैंने इसमें लगा कर आपको दिखाया था, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से बना दिए हैं। और जैसे जैसे इसके टहनियाँ बढ़ती जाएगी ये इसको मैं इसमें आगे लेते जाऊंगी, लेते हुए बढ़ूंगी। लेकिन अभी अपडेट के लिए कि एक नन्ही सी छोटी सी कटिंग जो आपको लगा कर दिखाई थी आज इस तरह पौधे का रूप ले लिया है, और इतना आप देख रहे होंगे इसका स्टेम इतना बड़ा हो गया है, शायद ना दिख रहा हो आपको, बड़ा वाला मुझे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ शायद दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप को मैं अपडेट इसलिए देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जिस समय मैं कटिंग लगा रही हूँ तो उस समय मैं आपको नहीं दिखा सकती कि पौधा मेरा लगा या नहीं लगा, या कितने लगे, कितने सक्सेसफुल हुए और कितने मैं फेल कर गई। तो इसलिए अपडेट में मैं उसको वीडियो को शेयर कर दिया करती हूँ। तो उसी दरमियान मैंने कुछ अपडेट आपसे शेयर की है। अगर मेरे अपडेट पौधे सही लगे, अच्छे लगे, सुंदर लगे तो लाइक कर देना। और बस मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।